और जनपद रुद्रप्रयाग में आजकल अलग अलग गांवों में पांडव नृत्य के भव्य आयोजन चल रहे हैं। मान्यता ऐसी है कि जब पांडव महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो जनपद रुद्रप्रयाग यानी कि केदारखंड होते हुए गए थे, तब से यहां पर लगभग सभी गांवों में पांडव को पूजा जाता है। वहीं रुद्रप्रयाग मुख्यालय के पुनाड़ गाँव में भी 4 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक पांडव नृत्य का आयोजन चल रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। पांडव जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब उनको लगा कि हमारे द्वारा कई चाहे ब्राह्मण हों चाहे उनके पुत्र पोते नाती सब जब रण में मारे गए उन पे ब्रह्म हत्या उन पे लग गई थी, तो उसके पश्चाताप के लिए वे इस केदारखंड में आए। और इतिहास इस प्रकार से भी बताता है कि वे रुद्रप्रयाग के संगम जो तट है अलकनंदा मंदाकिनी का तट है उस तट पे उन्होंने स्नान किया। सर्वप्रथम जब हमारे गांव की पंचायत द्वारा यहां पे दिन लगाया जाता है तो उस दिन पर हम यहां पर अपना आते हैं गांव की शिव समिति की ओर से, और हमारे गांव के जो प्रधान हैं उनकी ओर से यहां पर पूजा दिन लगता है, पूजा पाठ होती है और सभी देव पशुओं का आह्वान करते हैं। और तदुपरांत 2-3 दिन तक हम बिना वस्त्रों के ही अस्त्रों के साथ ही नृत्य करते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जब हम अस्त्रों के साथ पूजा पाठ होती है तो पंडित पुजारी हमारे यहाँ पर विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ करते हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ये पांडव नृत्य यहाँ पर हो रहे हैं उनको लाइव दिखा रहे हैं। और हमारी जो पांडव नृत्य एवं शिव समिति है उसके तत्वाधान में यहाँ पर 4 तारीख से पांडव नृत्य का शुभारंभ हो चुका है और 22 तारीख को यहाँ पर सिरोता होता है, जिसमें कि गैंड रात भर नृत्य होता है। और एक